हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। और मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर भूमिका इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम में स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे और आप हिंदी में ऐसे लिखते थे, तो ऐसे में क्या होता था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भूमिका लिखते हैं, फिर भूमिका के बाद क्या लिखते थे, उसके बाकी पैराग्राफ्स लिखते थे, और लास्ट में क्या लिखते थे, हम उपसंहार लिखते थे। तो वो उसको लिखने का एक तरीका था, एक पर्टिकुलर वे कि इस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एप्लीकेशन लिखते थे तो आप क्या लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो तो आप लिखते हो टू द प्रिंसिपल, फिर आप लिखते हो कॉलेज या स्कूल का नाम, फिर आप सिटी का नाम लिखते हो, फिर सब्जेक्ट लिखते हो, ठीक है, ऐसे करके एप्लीकेशन लिखते हो, लास्ट में योर्स ओबीडेंटली और योर्स फेथफुली जो भी आपको लिखना है अपना नाम। तो ये एक उसका स्ट्रक्चर है। वैसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, जिस फॉर्म में हमें प्रोग्राम को लिखना है। तो हम समझते हैं पाइथन का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जो पाइथन के प्रोग्राम है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब जिससे मिलकर वो बना है। सबसे पहले क्या है इसमें, कमेंट्स। सबसे फर्स्ट नंबर पे ये आएगा कमेंट्स। तो कमेंट्स में क्या होता है, कमेंट्स लिखा है बिगिन विद हैश सिंबल। हैश सिंबल के साथ हम कमेंट्स को शुरू करेंगे। ये क्या होता है, जिसका एक्चुअल प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि प्रोग्राम किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखते हो फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, रिमिशन ऑफ फाइन। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दोगे, क्वेश्चन पेपर पर अटैम्प्ट करोगे, तो आप क्या लिख रहे हो, रिमिशन ऑफ फाइन लिख रहे हो, ठीक है। तो अब ये रिमिशन ऑफ फाइन आपने लिखा, ये एप्लीकेशन का पार्ट तो नहीं है ना, बट आपने लिखा है, ये क्या बता रहा है कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो। वैसे ही आप फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हो, तो नीचे क्या होता है, नीचे पूरी एप्लीकेशन है, लेकिन फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र क्या है, वो तो हमारी एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है ना। तो फिर वो क्या हो गया हमारे पास, एक कमेंट हो गया। कमेंट होता है किसी भी चीज़ को समझाने के लिए कि हम किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे कमेंट्स लिखा, हैश दिस प्रोग्राम शोज अ प्रोग्राम्स कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये क्या बताता है आपको, प्रोग्राम के कॉम्पोनेंट्स बता रहा है। और अगला कमेंट हमने क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज, मतलब जो हमने एक फंक्शन बनाया है सी यू फंक्शन, उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन की मतलब वो क्या काम करेगा, वो क्या है, फॉलोज, वो आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों लाइनें हैं जो कोडिंग में एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब ये कोडिंग में एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन ये बताएगा कि ये कोड किस बारे में है, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद जब आपने कमेंट्स लिख लिया, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या लिखी हुई, देखो ये डिनोट किया फंक्शन। कमेंट्स लिखने के बाद हम फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, जो जो फंक्शन हमें यूज करने के हैं। तो हम फंक्शन को कैसे करते हैं, जैसे फंक्शन हमने पुरानी वीडियो में किया है, तो हम डेफ कीवर्ड से एक फंक्शन को बनाते हैं। फंक्शन के आगे फंक्शन का साइन लगेगा, कॉलन का साइन लगेगा, और उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, स्पेस को क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन बोलते हैं। और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी हो, जैसे कि अगर सी यू फंक्शन क्या काम करेगा, ये प्रिंट करेगा टाइम टू से गुड बाय, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, मतलब जितने भी हमारे पास प्रोग्राम में फंक्शन होंगे, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर बनाना है, तो हम फंक्शन डिफाइन कर देंगे कि प्लस क्या काम करेगा, माइनस क्या काम करेगा, डिवाइड क्या काम करेगा, मल्टीप्लाई क्या काम करेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो मेन कोड है प्रोग्राम का, ठीक है, मेन प्रोग्राम कोड एज फॉलोज। अब ये देखो, इसके आगे भी हैश साइन लिखा है, तो जिस लाइन के भी आगे हैश लगा दोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, मगर आप इसलिए लिख सकते हो ताकि किसी और को, कोई और आपका प्रोग्राम पढ़े तो उसे समझ आ जाए कि आपने प्रोग्राम में क्या किया, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास, मेन कोड क्या है प्रोग्राम का। अब इनको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स, जो हमने अलग अलग लाइन लिखी है ना, इनको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए की वैल्यू क्या है 15, और बी की वैल्यू है ए माइनस 10। तो मतलब ए की वैल्यू कितनी है 15, माइनस 10 मतलब वो इसकी वैल्यू क्या होगी 5। तो ये हमने जो वैल्यू असाइन करी है, या फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, दो तीसरी स्टेटमेंट देखो क्या लिखी है, प्रिंट ए प्लस 3, जो भी ए की वैल्यू है प्लस 3 करके हमने प्रिंट करनी है।
अब ये जो हमने लिखा है कि हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं या किसी वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, हम कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशंस, ठीक है। उसके बाद शुरू होते हैं स्टेटमेंट्स के बाद, मतलब वैल्यूज इनिशियलाइज करने के लिए, स्टार्टिंग वैल्यू देने के बाद हम क्या लिखते हैं? ब्लॉक्स लिखते हैं। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो हमने ब्लॉक ऑफ कोड क्या लिखा? इफ बी इज ग्रेटर देन 5 कॉलन साइन, ठीक है। अगर बी की वैल्यू 5 से बड़ी है तो प्रिंट हो जाए वैल्यू ऑफ ए वॉज मोर देन 15 इनिशियली। अगर बी की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो बी की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी और उसमें से 10 माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना 15 से ज्यादा है, तो हमने ये लिख दिया। एल्स हम लिख देंगे कि 15 से कम है, तो ये दो ब्लॉक्स हो गए और इसके बीच में ये जो स्पेस दिया है, इफ और एल्स स्टेटमेंट। जो भी आप स्टेटमेंट या कभी भी ब्लॉक लिखते हैं तो ब्लॉक की पहचान ही क्या है, आपको इंडेंटेशन देना है। देखो ये है इंडेंटेशन, इंडेंटेशन। और ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं ये भी क्या है? एक ब्लॉक ही है एक तरह का, ठीक है। तो जितने भी फंक्शन है, कंडीशंस है, लूप्स हैं, वो सारे किस में होते हैं? ब्लॉक्स में होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके भी आगे देखो कॉलन करके वो कमेंट लिखा था हैश सिंबल के बाद, कॉलन मीन्स इट्स अ ब्लॉक। मतलब अगर किसी चीज के आगे कॉलन लग गया इसका मतलब क्या है? वो एक ब्लॉक है। अब यहाँ पे भी देखो कॉलन लगा था ना, कॉलन का साइन लगा था, तो ये क्या है? ब्लॉक। यहाँ पर भी कॉलन लगा था, ये क्या है? ब्लॉक। ये हमने अपने आप से लिखा है, ठीक है। इस स्टेटमेंट का प्रोग्राम से आप ये नहीं लिखोगे तो भी प्रोग्राम चलेगा, ये दो लाइनें नहीं लिखोगे तब भी प्रोग्राम चलेगा। तो आप कमेंट्स को कहीं भी यूज कर सकते हो बताने के लिए। तो ये दो ब्लॉक डाले हमने और उसके बाद फंक्शन को कॉल करना, ये होता है फंक्शन को सिर्फ बताया कि फंक्शन काम क्या करेगा, लेकिन हम फंक्शन का नाम लिखेंगे ब्रैकेट, इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना, ठीक है। तो हमने कॉल किया फंक्शन को, कॉलिंग अबव डिफाइंड फंक्शन सी यू। जब हमने सी यू नाम का एक फंक्शन बनाया था उसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? इनलाइन कमेंट्स। इनलाइन कमेंट्स क्या होता है? कमेंट बिगनिंग इन द मिडल ऑफ अ लाइन। मतलब आप यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे और उसके बीच में ही आपने कमेंट लगा दिया, तो आप इसको क्या बोलोगे? इनलाइन कमेंट, ठीक है, समझ आ गया आपको। उसके बाद हमने इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स देखे? पाइथन प्रोग्राम कंटेंट्स वेरियस कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट थे? एक्सप्रेशंस थे, जो फॉर्मूला आपने देखा, स्टेटमेंट्स थी, स्टेटमेंट्स की वो क्या काम करी अलग अलग स्टेटमेंट। उसके बाद कमेंट्स थे हमारे पास, फंक्शन थे, ब्लॉक्स थे और उसमें क्या थे? इंडेंटेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स। सिंबल क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, डैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट समथिंग विच पाइथन इवेल्युएट्स। मतलब एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज है जिसे पाइथन इवेल्युएट करता है, मतलब कैलकुलेट करता है, एंड विच देन प्रोड्यूसेस अ वैल्यू, और उसके बाद वो वैल्यू का प्रोड्यूस करता है। अब ये देखो दो नंबर लिखे हैं, तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें क्या हमारे पास सिर्फ वैल्यू। तो एक्सप्रेशन में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ वैल्यू ही हो, लिखा हो एक्स इज इक्वल टू 15, एक्स इज इक्वल टू 2.9, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक्सप्रेशन। उसके बाद क्या है नेक्स्ट चीज? ए प्लस बी, ए प्लस 5 लिखा, फिर या फॉर्मूला लगा दिया 3 + 5 डिवाइडेड बाय 4, तो फिर ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दैट प्रोड्यूस अ वैल्यू व्हेन इवैल्यूएटेड। इसे क्या बोलेंगे? ये ऐसे एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास सिर्फ नंबर्स हैं, और ये ऐसे एक्सप्रेशन है जिसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, जो जिसकी वैल्यू हमारे पास तब निकलती है जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट किसे बोलते हैं हम? अ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, दैट इज सम एक्शन टेक प्लेस। मतलब स्टेटमेंट है जिसके बाद कोई काम हो, मतलब आप वैल्यू असाइन कर रहे हो या प्रिंट कर रहे हो या वैल्यू एंटर करवा रहे हो यूजर से, तो वो क्या होगी? स्टेटमेंट। व्हाइल एन एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड, जब एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है, अ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई इसका मतलब, ठीक है। सम एक्शन टेक प्लेस, कुछ ना कुछ काम होगा, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन अ वैल्यू। ऐसा जरूरी नहीं है हर स्टेटमेंट में कोई वैल्यू, कोई आंसर जनरेट हो। इट मे और मे नॉट यील्ड अ वैल्यू, हो सकता है वो वैल्यू कैलकुलेट करे, हो सकता है कोई वैल्यू कैलकुलेट ना करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने किया प्रिंट x + 2,
हमने x प्लस टू प्रिंट करवा दिया, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये तो सिर्फ प्रिंट हो रहा है इसमें। और दूसरा क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव। अब इसके अंदर जो लिखा ये क्या एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, x इज इक्वल टू टेन, ये एक्सप्रेशन है। जहाँ पे कोई भी सिंबल लग गया ना, ये सिंबल लग गया, तो ये क्या है एक्सप्रेशन। और ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे पाइथन में हमने एक ये क्या लिखा एग्जांपल, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखा हमने, तो ये क्या होगी एक पूरी स्टेटमेंट, एक लाइन। अब ये देखो इसने कुछ कैलकुलेट थोड़ी ना किया, इसने तो सिर्फ प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, तो ये भी क्या है एक स्टेटमेंट। अब कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन, मतलब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रोग्राम के बारे में, विच इज रेड बाय द प्रोग्रामर्स, जो प्रोग्रामर्स रीड करते हैं, बट इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर, लेकिन पाइथन इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देता है, मतलब उसको रन नहीं करता। इन पाइथन कमेंट्स बिगिन विद सिंपल हैश, कोई भी कमेंट लगाना है तो उसके आगे हैश का साइन लगता है, ठीक है, एंड एंड विद द एंड ऑफ लाइन, ठीक है, जब लाइन खत्म होती है तो उस हैश का मतलब सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है। अब एक बात ध्यान रखनी है, जो हैश सिंबल है उसके बाद जितना कुछ भी लिखा होगा वो सब कमेंट में कंसीडर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना हैश सिंबल के बाद ही कोड लिख रहे हो आप, क्योंकि कोड को तो एग्जीक्यूट करना है आपने। दीज आर फुल लाइन कमेंट्स, ये क्या है, ये पूरी लाइन में क्या लिखा हुआ, कमेंट ही लिखा हुआ है, हैश आई एम अ कमेंट, हैश आई एम टू, ये भी कमेंट है, ये पूरी लाइन कमेंट है, ये पूरी लाइन कमेंट है, मतलब इससे पहले कोई कोड नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, इट इज एन इनलाइन कमेंट एज इट स्टार्ट्स फ्रॉम मिडल ऑफ द लाइन आफ्टर कोड। अब ये क्या, यहाँ पर हमने कोड लिखा था, अगर बी की वैल्यू फाइव से बड़ी है फिर कॉलन का साइन, उसके बाद हमने कोई भी कमेंट लिखा, मतलब हैश सिंबल के बाद जितना कुछ भी आएगा तो वो क्या है हमारे पास कमेंट है, तो इसको बोलते हैं इनलाइन कमेंट, जो वहां पर कोड के बाद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, अब फंक्शन, वैसे फंक्शन की डिटेल वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं। अब फंक्शन इज अ कोड दैट हैज अ नेम, एक फंक्शन का क्या होता है नाम होता है, जैसे फंक्शन का नाम क्या सी यू, एंड इट कैन बी रीयूज्ड, और इस फंक्शन को हम बार बार यूज कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम, बस इसका नाम लिख देंगे तो ये फंक्शन यूज हो जाएगा वेयर नीडेड, जब भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब फंक्शन बिगिन विद डेफ स्टेटमेंट, अगर एक फंक्शन को हमने मतलब बिगिन करना है, बिगिन मतलब अब हमको फंक्शन को डिफाइन करना है क्या काम करेगा, तो हम डी ई एफ स्टेटमेंट को, मतलब डी ई एफ कीवर्ड को हम यूज करते हैं, ठीक है। हमने डी ई एफ कीवर्ड लगाया तो हम इसका काम क्या है, टाइम टू से गुड बाय, और फिर फंक्शन, इसका मतलब है फंक्शन काम क्या करेगा, मगर रन नहीं होगा, रन कब होगा जब हम इसे कॉल करेंगे, तो हम फंक्शन का नाम लिख देंगे सिंपल और ये कॉल हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच आर द पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट, मतलब और अ फंक्शन, मतलब एक बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिखी है जो किसी दूसरी चीज का पार्ट है, मतलब फंक्शन का पार्ट है या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट का पार्ट है या फॉर लूप स्टेटमेंट का पार्ट है, तो उसे क्या बोलते हैं ब्लॉक, या फिर इसको कोड ब्लॉक भी बोलते हैं या फिर सूट बोलते हैं इन पाइथन, ठीक है। इंडेंटेशन क्यों यूज करते हैं, इंडेंटेशन इज यूज टू शो ब्लॉक इन पाइथन, मतलब ब्लॉक के अंदर कोड क्या है उसके लिए हम इंडेंटेशन यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं चार बार स्पेस देंगे, फोर स्पेसेस टुगेदर मार्क द लेवल ऑफ द इंडेंट, मतलब चार स्पेस दे देंगे इसका मतलब ये चीज इसके अंदर लिखे, अगर आठ दे देंगे तो ये उसके भी अंदर लिखी हुई है चीज, ठीक है। तो इंडेंटेशन बताता है कि उसका लेवल ऑफ इंडेंट क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा था इफ बी इज ग्रेटर देन फाइव, और यहाँ पर हमने लिखा तो यहाँ पे इंडेंटेशन थी फोर स्पेसेस, फिर मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट तब चलेगी जब बी इज ग्रेटर देन फाइव होगा, अगर ये ऐसे यहाँ पर लिख देते तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। पाइथन रूल्स एंड कन्वेंशंस, अब इसमें रूल्स क्या, देखो स्टेटमेंट टर्मिनेशन, पाइथन डज नॉट यूज एनी सिंबल टू टर्मिनेट, मतलब अगर कोई स्टेटमेंट खत्म हो रही है ना, यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है, कोड हमारा खत्म हो रहा है, तो पाइथन में इसके लिए कोई भी चीज यूज नहीं होती, लेकिन अगर हम सी या सी प्लस प्लस में कोड कर रहे होते तो हर लाइन के लास्ट में हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ता बताने के लिए कि यहाँ पर हमारी लाइन खत्म होगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ, व्हेन यू एंड अ फिजिकल कोड लाइन बाय प्रेसिंग एंटर की, तो जब भी आप एंटर की प्रेस करोगे अगली लाइन में जाओगे तो हमको ये कंसीडर कर लेगा वो, द स्टेटमेंट इज कंसीडर टर्मिनेटेड बाय डिफॉल्ट, तो वो समझ जाएगा कि स्टेटमेंट क्या यहाँ पर टर्मिनेट हो गए।
उसके बाद क्या मैक्सिमम लाइन लेंथ, लाइन लेंथ शुड बी ऑफ 79 करेक्टर, मतलब एक लाइन की मैक्स, ये नहीं अब लाइन में कोड सारा ही लिखे जाओ, तो 79 करेक्टर हम एक लाइन में मैक्सिमम लिख सकते हैं। उसके बाद है लाइन एंड इंडेंटेशन। लाइन्स एंड इंडेंटेशन का के रूल क्या है, ब्लॉक्स ऑफ कोड आर डिनोटेड बाय लाइन इंडेंटेशन। जो हम ब्लॉक्स लिखते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन यूज करते हैं, विच इज एनकोस थ्रू 4 स्पेसेस। तो उसमें हम 4 स्पेसेस यूज करते हैं, टैब नहीं प्रेस करते हम, टैब कितने का होता है, 10 स्पेसेस का होता है, तो हम 4 स्पेसेस यूज करते हैं इंडेंटेशन लेवल बताने के लिए। उसके बाद है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, पाइथन इज केस सेंसिटिव, मतलब अगर हम स्मॉल केस में लिखेंगे या अपर केस में लिखेंगे तो वो उसको डिफरेंट वेरिएबल यूज करेगा। सो द केस ऑफ स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल वाइल टाइपिंग द कोड एज आइडेंटिफाइड नेम। अगर हम किसी उसका वेरिएबल का नाम दे देंगे या फंक्शन का नाम दे देंगे, मान लो सम हमने स्मॉल लेटर्स में डिफाइन किया था और कॉल हम कैपिटल लेटर में कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके रूल्स है ये। आइडेंटिफायर नेमिंग के लिए क्या है कि यू में यूज अंडरस्कोर, आप अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर तो यूज कर सकते हैं वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, लोन अमाउंट को सेपरेट करने के लिए, मगर आप इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते, या फिर आप इसमें ऐसा करते बड़ा की वर्ड डाल देते तो आप इसमें स्पेस नहीं डाल सकते, आप इसमें ये डाल सकते हो अंडरस्कोर। उसके बाद है वाइट स्पेस। यू शुड ऑलवेज हैव वाइट स्पेस अराउंड ऑपरेटर्स एंड आफ्टर पंचुएशंस बट नॉट विद पैरेंथेसिस, मतलब ब्रैकेट के बाद स्पेस नहीं देना है, ठीक है, ब्रैकेट के साथ स्पेस नहीं देना है, लेकिन जब भी आप कोई सिंबल ऑपरेटर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन यूज करोगे तो आपने स्पेस देना है, और या फिर पंचुएशन यूज कर रहे हो, पंचुएशन क्या हो गया, कॉलन का साइन हो गया तो आप स्पेस दोगे, आप कॉमा लगाओगे तो स्पेस दोगे, तो उसके बाद आपने हमेशा स्पेस देना है, लेकिन ब्रैकेट के बाद स्पेस नहीं देना। पाइथन कंसीडर्स दीज 6 करेक्टर्स एट वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब स्पेस ही नहीं होता, देखो अगर हम स्पेस डाल देंगे तो भी स्पेस है, स्लैश एन डाल देंगे मतलब ये क्या है, खाली वो डाल देंगे, कोट्स डाल देंगे, तो इसका मतलब क्या है, स्पेस, इसके बीच में हमने खाली स्पेस दे दिया। अगर स्लैश एन दे देंगे तो इसका मतलब क्या है, नई लाइन में आ जाए वो चीज़। अगर स्लैश टी डाल देंगे तो हमने टैब्स दे दिया, मतलब फिर स्लैश भी दे दिया तो मतलब वर्टिकल टैब दे दिया आपने, स्लैश एफ दे दिया तो फॉर्म फिट दे दिया, स्लैश आर दे दिया कैरेज रिटर्न। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सिर्फ ये स्पेस कैसे देना है, स्लैश एन नई लाइन में कैसे जाना है, स्लैश टी हॉरिजॉन्टल टैब और स्लैश भी वर्टिकल टैब, बाकी आपका कोई काम का नहीं। तो ये थी मेरी वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। आप प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में कोचिंग ले सकें। थैंक यू सो मच।